तो एक सवाल भीमतों से और है, जब तुम अपने मंदिरों में जाते हो तो वहाँ हीन यान और महायान होता है। हीन यान महायान से छोटा होता है, यानी कि वो पद्धति जिसको तुम दुत्कार रहे हो उसी में तो फिर जा रहे हो तुम। जाओ बनो हीन यान, महायान तो कोई चाइनीज होगा, महायान तो कोई थाईलैंड का होगा, जाके उसके चरणों में गिरो किसी विदेशी के, जो लोग खुद रिहैबिलिटाइज होने के लिए आए हैं। मैं तो यहाँ थाई टेम्पल्स में जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ कि वहाँ पे कैसे लोग पुजारी बन के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी विचारधाराओं के बारे में और खरी खोटी भी उनके बारे में सुनाएंगे, और मैं चाहूँगा कि जो लोग उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं वो आके मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी दें और मैं उनके सवालों के लिए भी तैयार रहूँगा। अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो भी सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आपने आजकल समाज में दो ऐसी विचारधाराएं देखी होंगी, पहली विचारधारा है मूल निवासी और आर्य निवासी, या जिसको मूल निवासी या आर्यन की थ्योरी भी कहा जाता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस बार मैं खरी खोटी सुनाने आया हूं कि मूल निवासी और आर्यों की थ्योरी जो है ये टोटली प्रोपेगेटेड थ्योरी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे यहाँ के लोगों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो उस थ्योरी के जो हमारे जनक जो भारतीय लोग हैं वो क्या अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि शायद गौतम बुद्ध सनातन के नहीं थे और राजा राम जो है भारत के कोई राजा नहीं रहे हैं, मुझे पुस्तकों में प्रमाण चाहिए। कमेंट आया था जय भारत जय चैनल पर, तो ये सवाल था कि राजा राम किस समय पे राजा हुए हैं, मुझे प्रमाण चाहिए। और जो सवाल पूछने वाले थे उनका नाम था गोविंद सिंह जी नाम गोविंद सिंह और सवाल राम पर, ठीक है। मैंने उनको जवाब दे दिया, वाल्मीकि रामायण तुलसीदास कृत रामचरितमानस को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे राजा रामचंद्र का वर्णन आया है। और मैंने ये भी बता दिया कि यदि आप राम नहीं होते तो आपका नाम गोविंद नहीं होता, लेकिन ये जवाब सटीक नहीं है, मैं कुछ और जवाब देना चाहता था इसलिए मैं वीडियो बनाने आ गया। दोस्तों देखिए, जो भी कोई भी देश या राष्ट्र होता है ना, वो भावनाओं का एक जुड़ाव होता है। कोई बाउंड्री नहीं हमारे चारों तरफ की, हम लोग एक बंधे हुए हैं किसी चीज़ में कि हाँ बंधे हुए हैं। तो एक मानसिक या मनोवैज्ञानिक लाइन है जो हम लोगों ने खींच रखी है कि ये भारत है, उसके बाद हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल है, चीन है और पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों की अपनी विचारधारा और अपने राष्ट्र की विचारधारा को किसी दूसरे राष्ट्र में प्रवेश कराना ही पहले भी और आज भी घुसपैठ कहा जाता था। तो ऐसा नहीं रहा है कि नेपाल हमेशा से ऐसे ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहा है। नेपाल भी किसी समय में अच्छा एक सुदृढ़ राष्ट्र हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्र भी अपना विकास, डेवलपमेंट, सीमाओं का विस्तार महत्वाकांक्षी हुआ करता था। उस समय पर उन्होंने सनातन धर्म से ही निकले एक ऋषि को एक अलग धर्म के बनाने के लिए प्रेरित किया उस राष्ट्र ने, नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की, जो सनातन धर्म में एक ऋषि की तरह कंसीडर हुए और हम हिंदुओं ने, हम सनातन धर्मियों ने अपना दिल बड़ा करके उनको विष्णु का दसवां अवतार स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात हमारे बौद्ध धर्मियों को समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक वो तोड़फोड़ की बात नहीं होगी, भारत में तोड़फोड़ नहीं होगा, यहाँ की जातियाँ जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें टुकड़े टुकड़े होना बहुत आवश्यक है, तभी किसी अन्य प्रोपोगंडा का पेट भरता है। तो मेरे सवाल अब बौद्धिस्टों से हैं, जो यहाँ पे इंडियन बौद्धिस्ट बैठे हुए हैं वो जरूर सुने, और अगर उनमें वाकई में दम है, वो वाकई में अपने आप को बुद्ध मानते हैं, तो मेरे सवालों का जवाब दें। जिन लोगों से आप बौद्धिज्म सीख रहे हैं वो लोग थाईलैंड, चाइना, नेपाल इत्यादि देशों से आते हैं, बर्मा, श्रीलंका, और आप कहते हैं कि भारत में पूरा बौद्ध धर्म फैला हुआ था और सनातन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो भाषा है वो हिंदी क्यों होती है, या हिंदी इंडियन लैंग्वेज ही आप क्यों यूज़ करके अपने शास्त्रों को एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़, जैसे कोई भी धर्म है, वो सनातन हो, क्रिश्चियन हो, या फिर सिंधी हो, या फिर हमारे मुस्लिम हो, या फिर कोई भी धर्म है, उन सब की अपनी एक भाषा है। जैसे हिंदू धर्म या सनातन की बात करें तो संस्कृत है, मुसलमान की बात करें या इस्लाम धर्म की बात करें तो उसके पास अपनी भाषा अरबी है, सिंध या फिर हम सिख की बात करें तो उसकी भाषा अपनी पंजाबी है। लेकिन हमारे ये जो हमारे इंडियन बौद्ध हैं इनकी भाषा हिंदी क्यों है, इनको तो पाली भाषा में बोलना चाहिए था, और अपने धर्म ग्रंथों को इनको पाली भाषा में एक्सप्लेन करना चाहिए था, तब तो हमें एहसास होगा कि हाँ भाई ये भारत का धर्म है, सभी लोग पाली भाषा समझें। तो सबसे पहला मेरा सवाल कि भारत में आज भी पाली भाषा समझने वाले आम जनमानस में कमी इतना क्यों है, जिस प्रकार संस्कृत भाषा को बोलने वाले लोग
केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको संस्कृत बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब आप यहाँ कहेंगे कि प्रचार प्रसार बहुत हुआ इसलिए बढ़ गया। प्रचार प्रसार कब हुआ? 1000 सालों से तो भारत गुलाम रहा है और सिर्फ संस्कृत का दमन किया गया, जहाँ भी तोड़ा गया वो सब संस्कृत, जो जलाया गया वो सब संस्कृत। तो ये आपकी पाली भाषा भारत में बोली क्यों नहीं जाती है यदि ये इंडियन रिलीजन है? तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत हुआ, उसी स्वागत का परिणाम आज हम लोग झेल रहे हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा देखिएगा। और अब मैं सवाल दूसरे लोगों से भी पूछना, दूसरी विचारधारा, अभी पहली विचारधारा पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे पाली भाषा नहीं बोली जाती है। और गौतम बुद्ध जब, जिसको आप ईश्वर मानते हैं, तो जब वो ईश्वर बनने की प्रक्रिया में आए, अब ईश्वर बनने की प्रक्रिया में उसको कहूँगा मैं, ध्यान नहीं कहूँगा, उन्होंने जब ध्यान किया, यहाँ पे हजारों ऋषि ध्यान करके चले गए, तप करके चले गए, उनको हम भगवान नहीं माने, उनको ऋषि लिखते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध एक ऐसे ऋषि थे जिनको हमने भगवान से संबोधित किया, और उनके जो अनुयायी, जो भारतीय अनुयायी बंतु अनुयायी, जो अभी 4 दिन के हैं, उनके गुरु भी कक्षा 5 पास ही होते हैं, वो अनुयायी बताते हैं कि गौतम बुद्ध को हमने भगवान मान लिया और हम उनके चरणों में जाके प्रणाम करते हैं। अच्छी बात है, सभी सनातनी गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं और हमें बुद्ध से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत है तो सिर्फ चाइना के मनोवृत्ति से, हमें दिक्कत है तो चाइना के प्रोपेगेंडा और फंडिंग से बढ़ने वाले बौद्ध से। ये जो भीमटे और बौद्धिस्ट पैदा हो रहे हैं, ये चाइनीज़ फंडिंग के पैदाइश हैं। जिस प्रकार ISIS की फंडिंग जो है हमारे यहाँ तबलीगी पता नहीं कैसे जमातियों को पैदा करी है, जबकि हिंदुस्तानी मुसलमान का कलेजा कुछ और था। लेकिन आज आप देखिए TV पे आके लोग कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो ISIS की तरह है, हिंदुत्व जो है वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मुझे ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि इस्लाम भी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा पिछले 500 सालों से इस देश पे मंडरा रहा है। तो मैं सभी दोस्तों से, आप सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि दो लोगों से ये सवाल ज़रूर पूछिए कि अगर आपके भगवान बुद्ध थे तो वो जब भगवान बनने की प्रक्रिया में आए तो उन्होंने तप क्यों किया, साधना क्यों की? ये सब तो सनातन का अंग है, पूजा पाठ ये सब तो सनातन का अंग है, फूल चढ़ाना ये सब तो सनातन का अंग है। और फिर बुद्धिज्म में इसका क्या प्रयोग होता है? जैसे हम सीताराम का पाठ करते हैं, आप नमो बुद्धाय का पाठ, अरे आपकी टेक्निक चेंज हो जाएगी। जो हमारा इस्लामिक स्कॉलर होगा उसकी टेक्निक अलग होगी, सिखों की टेक्निक अलग होगी, बुद्धों की एक क्यों? क्योंकि ये बुद्धिज़्म जो है ना, वो भारतवर्ष ने उसको डेवलप किया है, उसको मेथड दिया है। तो जो भारत की आत्मा है ना, जो संस्कृति है ना पूजा पाठ की, वो बुद्धिज़्म में घुसी हुई है। अब चाइना उल्टा हमको फंड कर रहा है, लेकिन वो जाने कि हमने बिना फंडिंग के ही परंपराएं वहां पर भेज दी हैं। तो ये आप जानिए, और जो भीमटे यहां पे जुड़े हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करें, और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो मुझे बताएं कि आखिर गौतम बुद्ध ने तप क्यों किया? कोई और सिस्टम बनाना चाहिए था भगवान बनने के लिए, और वो पीपल उपल के पेड़ के ही नीचे बैठे। पीपल उपल तो भारत में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, और हमारे ऋषि भी पीपल को प्रेफर करते थे, हमारे ऋषि भी नदियों के किनारे जाना पसंद करते थे। अच्छा ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे। जो दूसरी कंट्रोवर्सी हमारे राष्ट्र को तोड़ रही है वो है इस्लामिक कंट्रोवर्सी। इनके में भी अपने नियम जब चाहें तब बदल जाएं। एक मुस्लिम से आप कोई बात करेंगे, दूसरे मुस्लिम से आप वही बात करेंगे, तो वो पहला मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को गलत बताना शुरू कर देगा कि वो नहीं जानता है। आप भी रिजिड होइए, आप अपने ही सभी लोगों को मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ कि आप भी रिजिड होइए। ये कहने से आप काम नहीं चलेगा कि वो सामने वाला गलत कह रहा है, आप में क्या लिखा है उसको दुनिया के सामने लाने का समय हो गया है। तो ये दोनों लोग, ये भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े दुश्मन हैं और सनातन के दुश्मन हैं, और ये बात मैं खुले मंच पे कहता हूँ। और ये भीमटों को मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये खुला डिबेट करें। ये जो इनके कक्षा 5 पास गुरु है ना, उनसे डिबेट कराएं हम लोगों की। खुला चैलेंज करता हूँ मैं सबको, वर्मा कुरुंग क्षत्रियों का सहयोग भी मेरे साथ है भाइयों का, और मैं आप लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ कि सनातन को यदि आप गाली देते हैं तो आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिएगा। अब वो हिंदुत्व नहीं रहा जो आपकी इन सब चीज़ों को हमेशा से मानता रहेगा और आपके दमन का शिकार होता रहेगा, आप जो भी कुछ पढ़ाते रहें वो पढ़ता रहेगा। अब आप समझिए, आप बताइए कि आप सनातन के बाहर हैं यदि, तो एक सवाल भीमटों से और है, जब तुम अपने मंदिरों में जाते हो तो वहाँ हीनयान और महायान होता है, हीनयान महायान से छोटा होता है, यानी कि वो पद्धति जिसको तुम दुत्कार रहे हो उसी में तो फिर जा रहे हो तुम, जाओ बनो हीनयान। महायान तो कोई चाइनीज होगा, महायान तो कोई थाईलैंड का होगा, जाके उसके चरणों में गिरो किसी विदेशी के, जो लोग खुद रिहेबिलिटाइज होने के लिए आए हैं। मैं तो यहाँ थाई टेम्पल्स में जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ कि वहाँ पे कैसे लोग पुजारी बन के आते हैं। थाईलैंड के जो लोग आते हैं वो लोग जो सेक्स स्लेव्स होती हैं उनको यहाँ सेटल किया जाता है रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको योगा सिखाया जाता है और संत टाइप के कपड़े पहना के उनको यहीं बैठा दिया जाता है, और आप उन्हीं का पैर छूते हैं जाके। पहले जानिए आप, इससे अच्छा तो किसी हिंदुस्तानी के पैर छूने से है,
इससे अच्छा तो किसी हिंदुस्तानी का आप पैर छू लीजिए। वहाँ पे जो आप जाते हैं अपने धर्म गुरुओं के पास, वहाँ पे जो चाइनीज थाईलैंड वाले बैठे हुए हैं वो रिहेबिलाइट होने के लिए आए हैं, वो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं तब वो यहाँ आकर इंडिया में शांति खोज रहे हैं और आप उन्हीं के चरणों में जाके पढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि तुम वो बहुत महान है और तुम बड़े महान हो गए। अरे जाके पढ़ो अपना इतिहास, जानो अपने आप को, भारतीय हो तुम, अपने आप को कोई और नाम देकर तुम महान नहीं हो जाओगे। जब अपने बाप का नाम अपने से जोड़ोगे तब महान कहलाओगे, और महान कोई नाम जोड़ने से भी नहीं होता है, उसको अपने कर्म महान करने पड़ते हैं। तो बस इतनी छोटी सी चर्चा आज मैं लाइव जैसा ही सेशन था। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जितने भी लोग देख रहे थे। लेकिन ये जो इस्लामिक और बुद्धिस्ट ये भीमटे जो पैदा हो रहे हैं, बुद्धिज़्म में कुछ गलतियाँ नहीं है, बुद्धिज़्म को तो हिंदुस्तान ने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था, हमारे सम्राट अशोक ने भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्योंकि आप में कोई डिफरेंस ही नहीं है, पूजा ही करनी थी तो गौतम बुद्ध की कर लेते हैं, चलो एक सदी गौतम बुद्ध के नाम ही कर दी हमने। लेकिन अब तुम चाइनीज राग हमको पढ़ाओगे, जो तुम्हारी चाइना फंडिंग आती है, नीले नीला कपड़े पहन के तुम्हारे ऊपर तक नेता तक भी घूमते रहते हैं, वो सब पता है इंडियन लोगों को, अनपढ़ नहीं है, जाहिल लोग नहीं देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसको जानते हैं कि तुम्हारा पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, अभी तक तुम्हारे ऊपर काम नहीं लगाया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि तुम सब अपने भाई हो, सही हो जाओगे। लेकिन लो विदेशों का फंड और दो गालियाँ अपनी संस्कृति को, राम को, कृष्ण को, हम जैसे लोग तुमको मिलते रहेंगे और जवाब देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, सबका शुक्रिया जिन्होंने सहयोग किया। और ए भीमटो सुन लो, सवाल पूछ के जाना और उसका जवाब भी सुन लेना, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। नमस्कार।